हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कैलाश सालवी है। कैलाश सालवी। कैलाश जी, आपकी एज क्या होगी? 34। और हमारा आपको रेफरेंस कैसे मिला था? मैंने जस्ट गूगल से फाइंड किया था। गूगल से खारघर में कोई कैरोप्रैक्टिक। वैसे क्या बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं कोकण से, रत्नागिरी। और यहाँ पर मुंबई में? तलोजा। तलोजा से, मतलब अभी डेली तलोजा से आए? हाँ, डेली तलोजा। तो बेसिकली आपने कैरोप्रैक्टिक एक्सपीरियंस पहला भी किया हुआ है ये? यस। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम क्या थी? मुझे साइटिका का प्रॉब्लम था, स्लिप डिस्क, जो काफ़ी सीवियर था जी। खड़ा नहीं रह पा रहा था दो तीन मिनट के लिए भी जी। थोड़े दिन चलने के बाद मुझे बैठने का कुछ ऑप्शन नहीं था जी जी। और ये शायद स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम कब हुआ था? हमारा डिटेक्ट हुआ था, किया था हमने लास्ट मंथ में, मतलब एमआरआई वगैरह करवाया। तो उसके बाद डायरेक्टली हमारे पास आया था? इससे पहले कुछ और भी कुछ कराया आपने? नहीं, जिस डॉक्टर ने एमआरआई सजेस्ट किया था उन्होंने मुझे सर्जरी करा था। उसके बाद मैंने दो तीन दूसरे भी सर्जन से भी मिला था, मतलब बात की थी फोन। तो उन्होंने बोला कि आपको जिस जो कंडीशन है उससे आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। ओके। तो उन्होंने मतलब जैसे वन मंथ पहला हमारा जो निकाली तो उसने आपको ऑर्थो ने सजेस्ट किया कि सर्जरी करना पड़ेगा, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो उसके कोई मेडिसिन वगैरह भी आपने लिए उसके लिए कि सिर्फ सर्जरी? जो मसल रिलैक्सेशन के मेडिसिन थे जी, सजेस्टेड फॉर वन वीक। ओके। तो मतलब फिर बाद में आप जो उसकी कैरोप्रैक्टिक की बात कर रहे हैं उनके पास गए थे फिर बाद में? नहीं, वहाँ पे नहीं गए। तो उनके उनका कैसे आपको बता रहे हैं, उनका नाम बता रहे हैं जो चैम्बूर में है? हाँ, तो मैंने मेरे सिस्टर के लिए लिया था। अच्छा, सिस्टर के लिए लिया था। तो फिर आप हमारे पास आए 5 days पहला जैसे कि सेशन आपने अपने हिसाब से वीक में आई थिंक 2-4 डेज पे लिया है कि कंटिन्यूस नहीं किया है। तो जो जब बिफोर एंड आफ्टर में चेंज है कि जब आप आए थे उस टाइम आप क्या क्या नहीं कर पा रहे थे और अब क्या कर पा रहे हैं? मैं जब एकदम ट्रीटमेंट जस्ट चालू करने के पहले, जैसे कि मैंने कहा कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था दो तीन मिनट के ऊपर जी, राइट। मैं थोड़ी देर बैठता तो मुझे इतना पेन होता था कि मुझे लेटने के सिवाय, मतलब वहाँ से उठने से कुछ ऑप्शन ही नहीं था जी जी। मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर रहा था, कुछ उठा नहीं पा रहा था जी। और जब आए तो आपके मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी बहुत सारे थे। मुझे याद है कि आपकी मेरी बात नहीं हो पाई थी, बट आप चाहते थे कि एक बार मुझे पता चले कि जो ट्रीटमेंट कराऊंगा इसका मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल, की जनरल क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल क्वेश्चन आपका हक है क्वेश्चन करना। तो क्योंकि वो था कि क्योंकि बीच में आपने जब फर्स्ट डे आए थे उसके बाद काफी दिन गैप लिया सोचने के लिए कि मैं आऊंगी नहीं आऊंगा। तो फिर भी चलो कि आपने हमारे रिसेप्शन की बात सुन के आए यहाँ पर और आपको हमने 5 सेशन रेकमेंड किए थे। तो आज उन्होंने 5 सेशन के बाद जो आपका क्वेश्चन था वो एक्सपीरियंस जो आपने फीडबैक में देखा था लोगों ने लिखा तो वो जेन्युइन लगा वैसा? यस, रिलीफ काफ़ी हद तक है। मैं तो बोलूँगा मेरा जो प्रॉब्लम था उसमें मुझे 100% में मैं अभी बोल सकता हूँ जिस तरह से बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं है अभी। 3rd-4th session के बाद तो पेन पूरा बंद हुआ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये करूँगा। अभी कई बार ऐसा होता है जैसे आपने गूगल्स में हमारे फीडबैक देखे, रिव्यूज़ देखे, कई लोग को ये भी लगता होगा मेरे ख्याल से कि जो फीडबैक है हमारे वो फेक है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई देखिए नेगेटिव इंसान, अच्छे इंसान, बुरे इंसान सब दुनिया में होते हैं। अगर ऐसा भी एक ने किसी ने बोला कि फीडबैक रिव्यूज तो फेक भी हो सकते हैं, अगर फेक होना तो फिर ये 100-200 नहीं है तो मैं 2000 भी कर सकता था। एक एग्जांपल के लिए अगर किसी को गलत करना ना वो बहुत अलग तरीके से भी कर सकता है। फिर मैं यहाँ पे अगर 1500 पेशेंट में से 200 फीडबैक आ रहे हैं तो मैं अगर फेक करना हो तो मैं 2000 भी कर सकता हूँ, है ना। वो तो फिर आपको किसी को बोल के मुझे से भेजना हो तो ये जेन्युइनली फीडबैक है क्योंकि, बट जो आप हमें फीडबैक देख रहे हैं ये तो फेक नहीं हो सकता। right. ये इसलिए हम वीडियो में अभी हर पेशेंट की शूट करते हैं सर कि अगर किसी को लगता है कि गूगल के फीडबैक अगर रिव्यू से जो मैं अभी ये वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी देखने वाले ये उनको समझ आएगा कि जो हम ट्रीट करते हैं कि गूगल में फीडबैक चलो मान लीजिए कोई फेक कर सकता है बट ये हमारे पेशेंट है अगर इनसे तो हम ये जो हम बता रहे हैं ये तो फीडबैक गलत नहीं हो सकता। ये जो आपकी एक्चुअली जो फील कर रहे हैं जो फील किया वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप। तो यही है सर कि इसलिए हम अभी फीडबैक वीडियो जरूर शेयर करते हैं कि हर तक ये बात पहुँच सके कि जो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह कोई साइड इफेक्ट हुआ किसी तरीके का? कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।
और ये भी बता दीजिए कि ट्रीटमेंट करते टाइम इसके वजह से कोई पेन भी हुआ कोई ज्यादा आपको ट्रीटमेंट करते टाइम? काफी मतलब मैं जैसे पहले से बोल के जितना था मेरा उससे मैं काफी हद तक इम्प्रूव आई है पेन। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे अगर कोई है या कहीं से भी है पॉसिबल है तो सर के पास। इसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है लोगों को थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत होती है कि आप अभी कोई प्रॉब्लम 10 साल के लेके आ रहा है, कोई 5 साल के लेके आ रहा है, 2 साल, और सोचते हैं कि एक ही दिन में कुछ जादू करे और ठीक कर दे, वो फिर उतना भी सही नहीं है। तो वो गलत एक होप लेके आते हैं कि और ऑलरेडी 4-5 डॉक्टर चेंज करके आते जिन्होंने आपको रेकमेंड किया हुआ सर्जरी और वैसी कंडीशन हमारे पास लेके आ जाते हैं। ऑब्वियसली एक दिन में नहीं सॉल्व हो सकती, होने के लिए एक दिन में भी कोई हो सकता है, बट एक श्योरिटी नहीं है। हमें जो प्रोसीजर लगता है 5 डेज 7 डेज, बट फिर भी हम बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि 5 डेज में ही पेशेंट को 95% लोगों कवर कर रहे हैं, जो कि आपने एक्सपीरियंस किया है। 5 दिन में ही आपको लग रहा है कि अभी जो पेन है नहीं है पूरा पूरा पेन गया, तो मतलब परसेंटेज 100 में से 100 ही लग रहा है। तो मेरे कंडीशन के हिसाब से आई कैन से तो इसके साथ साथ में अभी आपको सर सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी भी तरह के ट्रीटमेंट में मान लीजिए हमारे पास आए किसी अदर कैरोप्रैक्टर पे जाते हैं आप और उसके बाद भी लाइफस्टाइल को वैसे ही रखते, तो सर उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी होती है कि अगर जो गलतियां आप कर रहे थे वापस शुरू कर दीजिए तो फिर नेचुरली बात है फिर कुछ महीनों में पेन आ जाएगा। तो इसको कंट्रोल किया जाए कि आप लाइफस्टाइल को बेटर किया जाए, जो कि थोड़ा सा उठने बैठने में ध्यान रखा जाए, करवट लेके उठे करवट लेके बैठे, ज़्यादा लॉन्ग टाइम पोस्चर को गलत पोस्चर में बैठना बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, ये सबको ध्यान रखना चाहिए किसी भी एज में है। कोई 25 साल का 20 साल का अगर वो पोस्चर को मेंटेन नहीं कर रहा, नेचुरल सी बात है आज नहीं कल नहीं आपको 2 साल बाद 5 साल बाद तकलीफ बैक पेन या नेक पेन से रिलेटेड आएगी, क्योंकि ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई एज प्रॉब्लम नहीं है कि ना कि कोई आपकी एज ज़्यादा हुई है, ना ही कोई आपकी जेनेटिक फैमिली में से आपको आया है, ये हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है या एक्सीडेंट कोई नहीं हुआ आपके साथ में, तो ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं, ये सब आपके पोस्चर और आपकी लाइफस्टाइल की वजह से। इसको बेटर किया जाए, देखिए एक दिन में नहीं होता है सब चीज़ें, इसको थोड़ा सा एकदम ध्यान रख के फॉलोअप करने से ही होता है कि नहीं माइंड सेट करके नहीं मुझे नहीं करना, उसके बाद ही इसमें रिजल्ट आता है। तो ओवरऑल पूछे जाए देखा जाए तो ट्रीटमेंट हैप्पी है, यस बिल्कुल हैप्पी हूं। हाँ तो रेकमेंड भी आपको लगता है कहीं आप जरूर कहेंगे लोग, ठीक है थैंक यू सो मच सर आप हमारे पास आए एच सी कैरोप्रैक्टर में और नेक्स्ट मंथ आपको एक फॉलोअप के लिए आना, ठीक है यही 8 तारीख को, थैंक यू सो मच सर।